जय हिंद जय हिंद। दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि क्या आपकी भी चड्डियां ऐसे रात के वक्त गीली हो जाती है। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है नाइट फॉल के ऊपर है कि आपका नाइट फॉल कितनी बार हो रहा है, आपको इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। आज का ये वीडियो हम जो बताएंगे आपको और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं आपको वो भी बताएंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी नाइट फॉल से बचने के लिए और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ नाइट फॉल की, तो नाइट फॉल होने से आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आती है, बॉडी के अंदर वीकनेस आती है, आपको वर्कआउट करने में एनर्जी नहीं मिलती है। पर एक बात और, ये जो आपकी उम्र है ना, ये उम्र होती है इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली आपका पंप बाहर हो जाता है या फिर पिचकारी चल जाती है। तो अब चलिए मैं बात बताता हूँ आपको कि कई बार क्या होता है कि बंदा अगर उसका नाइट फॉल कंटिन्यू होता है, जैसे कि इस बंदे को देख रहे हो आप, गाल पूरे पिचके हुए हैं, आंखें अंदर डली हुई है, पूरा बॉडी देख लो आप। भैया कुछ खा लिया करना? खाता तो हूँ सर, लेकिन रात को निकल जाता है। ये दिक्कत आ रही है, देखो खाता है लेकिन रात को निकल जाता है। अब रात को अगर निकल जाएगा तो फिर भैया दौड़ेगा कैसे बंदा, तैयारी कैसे करेगा? थोड़ा मन पे कंट्रोल किया करो भैया, है ना, अश्लील चीजें मत लाया करो दिमाग में। अश्लील चीज सबसे मेन चीज जो है, देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, नाइट फॉल होने का सबसे बड़ा रीजन है आपके मन के ख्याल। अगर आपके मन के अंदर गंदे ख्याल आएंगे तो फिर रात तो बिगड़ेगी, रात तो रंगीन होगी। तो आपको गंदे ख्याल लाने से बचना है। सबसे मेन चीज है, आप जो सोचते हैं वही आप रात को सपने में कर डालते हैं। तो सबसे मेन बात आपको गंदे ख्याल लाने से बचना है। चलिए और क्या है कारण इसके कि क्या कारण से आपकी नाइट फॉल होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, आप सोते वक्त, बेटा सो, देखिए आपको सोते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, आपको ऐसे उल्टे होके चित्त होके नहीं सोना है। अगर आप ऐसे उल्टे होके सोएंगे तो फिर से मैं बात बताऊंगा आपको कि एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, है ना, आपका पहलवान एक्टिव हो जाएगा, फिर नाइट फॉल होगी। तो आपको ऐसे उल्टे होके नहीं सोना है, पहली बात, ऐसे उल्टे होके सोने से बचे। फिर कई बार सीधा होकर भी बंदा क्या करता है, सीधा होकर बंदा सपने में, ऐसे सपने में सोया रहता है और सपने में सोकर वो अपने पैरों को हिलाता रहता है। कैसे ऐसे पैरों को आपको हिलाना नहीं है, जब आप ऐसे पैर हिलाते हैं तो भी हमारी चीजें एक्टिव फॉर्म में हो जाती है और आपके नाइट फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करना है, सोते वक्त आपके पैर नहीं हिलना चाहिए, आपकी बॉडी स्थिर रहना चाहिए। और सबसे मेन चीज है आपका दिमाग, आप दिमाग के अंदर क्या सोच रहे, आप जो सोचेंगे वही काम होगा आगे जाके। तो आपको सही चीज सोचना है, सही चीजें पढ़ना है, खड़ा हो जाओ, सही चीजें पढ़ना है। अब और क्या कारण हो सकते हैं, देखो और मैं कारण बताता हूँ आपको, बचने के उपाय बताता हूँ। अगर आप रात के टाइम पर गर्म दूध पी रहे हैं तो गर्म दूध पीने की वजह से भी आपकी नाइट फॉल हो सकती है। तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आपको दूध नहीं पीना है, दूध पीना है लेकिन उसे ठंडा करके पीना है। तो एक चीज और, दूध पीने से बचे, गर्म दूध पीने से बचे। अगली बात, अगर और ज़्यादा आपकी एक रात में एक या दो या तीन बार नाइट फॉल हो रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रात के टाइम पर एक बार ठंडे गुनगुने पानी से नहाएं, या फिर आप नहा नहीं पा रहे हैं, नहाकर आप ग्राउंड से जाके नहा लेते हैं, तो जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आपके घुटनों तक ठंडे पानी से अपने पैरों को धो लें और आप सो जाएं। अगली बात, अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात, आप क्या पढ़ते हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में चीज़ें पढ़ते हैं, अश्लील चीज़ें नहीं पढ़ते हैं जो आपको एक्साइटेड करे, जो आपको उत्तेजित करे, आपके मन को उत्तेजित करने वाली चीज़ों से आप दूर रहें। जब आपके मन में ऐसी चीज़ें आएंगी तो ये सारी चीज़ें होने का समस्या आ जाती है। फिर ये जो उम्र होती है ना आपकी, ये जो उम्र है बेटा, ये जो उम्र है ना तुम्हारी, इस उम्र में होता है, अगर एक मतलब कि एक महीने में तीन चार बार होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कोई भी। अगर आपका तीन चार बार हो रहा है तो चलेगा, लेकिन चार पांच बार से अगर ज़्यादा बार होता है तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर ये रोग होता है, लोगों के बीच में थोड़ा सा शर्म होती है, बच्चों के बीच में शर्म होती है, ना माता पिता को बता पाते हैं, ना दोस्तों को बता पाते हैं, क्योंकि दोस्त को बताते हैं तो हंसना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्त,
उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आपको बताना है, लेकिन अपने डॉक्टर से सजेशन ले, डॉक्टर को बताए ये समस्या, अगर इन समस्या से आपने निजात पा लिया तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी वर्क करेगी और आप एक अच्छे लेवल पर रनिंग भी कर पाएंगे और आपने जो आर्मी का सपना देखा है वो आप साकार कर पाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, घंटे को दबाएं नहीं बजा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में एक ही बात बोलूंगा मैं आपसे, अगर आपको फोर्स एकेडमी ज्वाइन करना है तो इंदौर में हमारी संस्था है, आप आ जाइए, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9691007672। मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगा कपिल यादव फोर्स के नाम से, आप जाकर वहां पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।